पुण्यात्मा ही समर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्य युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के बागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो, काम बिगाड़े हैं। एक बार गरीबदास साहिब जी जब परमात्मा से परिचित हो चुके थे और अपना ज्ञान प्रचार भी करते थे, कोई उसके उनके पास आ जाता था तो ज्ञान भी देते थे, दीक्षा देते थे, केवल सिंपल सी ये मूल ज्ञान नहीं देते थे, फिर भी उनसे बहुत राहत मिलती थी, वो समर्थ थे, आशीर्वाद से भी लाभ देते थे, संसारिक सुख त्याग करते। तो उन एक आपको बताता हूँ इनकी कैसी दुर्गति होती है, जग जाना ये बंदगी कराइए बो सोल बबूल। एक बेरी गांव है रोहतक जिले में, अब वो जर्म हो गया, तो वहाँ का उस गांव का एक व्यक्ति था हरलाल नाम का, और वो धार्मिक व्यक्ति था घना। उसने एक साधु रख लिया अपने घर पे कि महाराज आप यहाँ रहो, उसके लिए एक चौबारा बनवा दिया ऊपर, आप यहाँ रहो, हमने सेवा मिल जाएगी, हमारे कर्म बन जाएंगे, आपकी भक्ति बन जाएगी, आपने भक्ति करनी है, आप बाल ब्रह्मचारी हो, घर छोड़ रखा कहाँ भाई, ठीक है होगी सेटलमेंट। उसका ऊपर चौबारा बना दिया, एकांत में उसको बढ़िया भोजन दे सुबह शाम, और वो अपना भजन करे जैसा भी वो सोच रहे थे भजन करे। और वो भजन उसके पास भक्ति थी नहीं वा, तो क्या हुआ कि वो क्या करता था, बढ़िया माल खावे और अपना खावर सो जावे, या जिसकी भक्ति थी अटपट की वो साधना करे थोड़ी बहुत देर, वो भक्ति मोक्षदायक थी नहीं। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उस संत की मृत्यु होगी, अंतिम संस्कार कर दिया। तो पहले क्या करते थे कि गांव के जो किसान लोग थे बैलगाड़ी रखा करते थे, और ट्रांसपोर्ट का जो काम होता था आजकल ट्रकों से होता है, पहले बैलगाड़ियों से करा करते थे। तो बेरी से और इधर नजबगढ़ साइड में जाया करते थे, वो अपनी उस मंडी से सामान लाते थे, जैसे वहाँ से गुड़ ले आए, बूरा ले आए, इधर से बाजरा ज्वार ले जाते थे भर के, ऐसे वो ट्रांसपोर्ट करते थे। एक दिन गरीबदास साहिब जी उसी रास्ते पर, जो रास्ता गांव छुड़ानी से होकर बेरी से आगे जाता था नजबगढ़ साइड में, तो वहाँ कुआ था एक, उस कुएं पर बैठ कर गरीबदास जी स्नान कर रहे थे सुबह सुबह, गर्मियों का मौसम था, पाँच बजे उधर से वो हरलाल गाड़ी लिए आ रहा था, और उसने जो बैल एक जोड़ रखा था वो बैल था गोरे कलर का, लाल रंग का, और वो क्या कर किया उसने, वो बैठ गया, वो बैठता था ऐसे, और वो हरलाल उतर कर फिर उसका लठ मारता, उसने फिर ज़बरदस्ती उठाता, फिर वो आधा किलोमीटर ठीक चलता और फिर बैठ जाता। तो वो कुदरती वहाँ बैठ गया आकर जहाँ गरीबदास जी नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। तो गरीबदास जी न्योके न्यो उठ के धोती बांध रखी थी नहाते नहाते, और वहाँ गए उस बैल के पास जो बैठ गया था, एक बैल खड़ा था, गाड़ी रुक गई थी, तो उन्होंने उसके कान में कोई बात कही, वो एकदम खड़ा हो गया, वो बैल खड़ा हो गया। तो किसान ने तो यह बड़ी बात थी, बैल ठीक चलने लग गया, और वो वहाँ से लेकर बेरी लगभग 10-15 किलोमीटर पड़े हैं छुटानी तक, बेरी तक वो बैठा नहीं। उधर से राम रमी हुई, महाराज कौन हो आप, भाई गरीबदास नाम है मेरा, और यू क्या हो गया, कुछ ना बस आ गई इसका समझ में, जब तो वो चला गया। फिर उसने जाकर देखा उसका, जब न्योना जची कि खड़ा हो गया जाते फिर बैठेगा थोड़ी दूरी पर, वो ना बैठा, तो फिर उसने पता करा भाई वो बैल ही इतना इस दूसरे तो भी आगे चल रहा है, तो इतना तेज चल रहा है, क्या चक्कर है, उसने क्या कर दिया इसके कान में। तो वो वापस आया जब उस गांव में रुक गया और पूछा भाई गरीबदास कौन है, वो कुदरती परमात्मा वहीं आगे स्नान, वो गरीबदास जी उसी टाइम से स्नान, उसने भी सोचा इस टाइम से आकर वो नान बाप भगत और वहाँ मिल लेगा। तो जब वो स्नान करने आ गया, पता था वो भगत किस लिए आ रहे हैं, वो तो परमात्मा से परिचित हो चुके थे। तो जब उसने देखा कि वो आदमी है जो उस दिन कान बैल के कान में कुछ इसने
फूक फाक मारी थी, प्रणाम किया और पूछा, भगत जी आपने इस बैल के कान में क्या बोल दिया? ये तो उसके बाद डटा नहीं डटता और ना बैठता, आप तो वे पहुंचे हुए महात्मा हो। अब इतना गरीबदास जी का उसमें ज्ञान इतना था नहीं, क्योंकि हम घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिद्ध, ये तुम्हारी पुरानी आदत है। तो गरीबदास जी ने कहा कि अब बैठ जा, बताऊंगा क्या कह दिया मैंने। आपके घर में चौबारे में एक बाबा जी रहा करता, संत भगत अखा जी रहता था। कहाँ गया वो? तो उस अरलाल भगत ने, किसान था वो जाट, उसने बताया जी वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, 4-5 वर्ष हो गए। परमात्मा ने कहा कि ये बैल ओए है तेरा बाबा जी, इस नकली पर भक्ति बनी नहीं, सत साधना इसके पास थी नहीं, यू खावे था और सोए था, नकली डड़े डोए था, कंकर पत्थर कट्ठे करे, साधना ठीक नहीं थी। ये वही बाबा जी है, वो भगत जो घर छोड़ कर चला गया था, ब्रह्मचारी भी था, बैल बनकर गाड़ी खींच रहा है, क्योंकि तेरा खा रखा था इसने, पूरा करना पड़ेगा वापस। मैंने इसको ये कहा, भाई भगत जी चाहे तो लठ खा के इसका दे दे और चाहे अपना स्वभाव पूरा कर दे, पूरा करे पीछा छूटेगा तेरा, इसका समझ मांगी, अब ये तेरे पूरे करेगा। अपनात्मा देखो, अब जो भी कोई साधना कर रहे हैं वो हैं परमात्मा के बच्चे, किसी ना किसी जन्म में वो मालिक के साथ रहे। आगे साधना नहीं मिलती तो वो 84 लाख योनियों में चले जाते, और परमात्मा ने वहाँ भी दया करा दी अपने गरीबदास जी के माध्यम से, अरलाल का मन फेर दिया कि अभी भगत था यो और यू बैल बन गया, इसकी दुर्भाग्य, पर आज के बाद इसने मैं गाड़ी में नहीं जोड़ूंगा, अलग से बांध दिया, चारा चरावे और बैठे रहे। देख परमात्मा ने भगत की वहाँ भी रक्षा कर दी और सुविधा दे दी, लेकिन भक्ति बिना क्या बने, अगला जन्म उसका सूर का होगा, फिर क्या सुविधा देंगे। तो पुण्यात्माओं यह सौभाग्य आपका, आपको अनमोल रत्न मिल रहा है, इसने संभाल कर रखियो। अब जो प्रसंग चल रहा था, दास आपको बता रहा था कि अब आपको वो अनमोल वस्तु मिल गई है जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुई। आपका भक्ति धन थोड़ी ही साधना से अत्यधिक बन रहा, संग्रहित हो रहा है, और इसी भक्ति धन से आपको यहाँ की भौतिक सुविधाएं भी प्रयोग करनी है और आगे चलने के लिए भी इसको सुरक्षित रखना है, इसको बांटना नहीं। अपनात्मा कुछ दिनों के बाद जिसने 1-2 वर्ष साधना या कर ली भगवान की सत साधना, तो आपका जो भक्तिहीन हो जाओगे, आप किसी को आशीर्वाद दे दोगे ना, वो भी फलने लग जाएगा, आपके पंचर हो जाएगा और उसमें हवा भरने लग जाएगी, आप भी डाउन हो जाओगे, यही रह जाओगे, आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी और उसने उसका लाभ होना नहीं, क्योंकि दोनों को फुल एयर चाहिएगी टायर में आगे गाड़ी बढ़ाने के लिए, और वो अलग सिस्टम है जो दास आपको दे रहा है। इससे पंप सारे भरो और अपनी गाड़ी चलाओ। एक दूसरे मूर्ख होगा जो अपने टायर में दूसरे के टायर में हवा भरे, दोनों कंडम हो जाओगे। तो इस साधना से हम ऐसे बिगड़ जाते हैं। जो प्रसंग चल रहा था कि ऐसे जो जन्म मनुष्य के होते हैं वो ऐसे होते हैं जो पुनकर्मी प्राणी है, जैसे अब ये भक्ति युग चला है, अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह बिल्कुल निशुल्क मंगाएं, अपना नाम पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें, हमारा नंबर है 7496801823। Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.